प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभाग कालसी दमन से दसौ गांव तक 12 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 6,37,00,000 की लागत से बनाई गई इस सड़क से क्षेत्र के कई गांवों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, विभाग के अधिकारियों ने ट्रायल के लिए जैसे ही इस सड़क पर बस को उतारा तो गांव के लोगों में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने पारंपरिक ढोल दमों की धुनों पर नाचते गाते हुए इस बस का स्वागत किया और गांव में लड्डू भी बांटे गए। महिलाओं ने बस के साथ फोटो खिंचवाई। ग्रामीणों ने सड़क बनाने वाले ठेकेदार और विभाग के जय का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हमारे यहाँ सड़क जो है सदियों से बनी हुई नहीं थी, हम बहुत परेशान थे और आज हमारे यहाँ ये सड़क बनी है तो हमारा दुख सुख के लिए, नकदी फसल के लिए इसका बहुत फायदा है। हम सरकार के लिए बहुत आभारी है और इन ठेकेदारों के लिए भी जिन्होंने बेचारों ने हमारी अच्छी सड़क बनाई है। इसकी लागत है 6,37,00,000 की लागत से रोड तैयार हुई है। लगभग 12.5 किलोमीटर की रोड है ये और इसमें सबसे पहले तुनिया से होते हुए दऊ, अतलेव, कोटा, डिमो ये गांव से रोड से जुड़े गए हैं। बहुत खुशी हमारे लिए हमारे गांव में रोड पहुंची है, बहुत बढ़िया है और हमें तो बहुत ज़्यादा बहुत समस्या थी, हमें परेशानी, हमें बहुत ढोना पड़ता था टोकरी से, हमें अदरक भी, टमाटर भी सड़क से यहां से लेकर दुनिया तक ले जानी पड़ती थी हमें, कि हमें आज बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव में सड़क पहुँची तो खुशी से झूम उठे ग्रामीण। गांव में ट्रायल के लिए पहली बार पहुंची बस को देखकर तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस खुशी के पल को ग्रामीणों ने जश्न की तरह मनाया। ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदार और विभाग का भी यहां आभार प्रकट किया। राहुल बहल, R9 TV, विकास नगर, उत्तराखंड।